तो गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में मिस्टर एमएसएस सिंह ब्लॉग पे। आज हम लोग तैयार हैं, सुबह के बज रहे हैं, 6 बजे कौन तैयार होता है ये सोच रहे होंगे, क्योंकि प्लान है हमारा निकलने का। आज हम लोग जा रहे हैं होली की तैयारी करने, अपने घर मिर्जापुर सिटी निकल रहे हैं। और ये प्लान था कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे ताकि भानिया सोती रहेगी और उसको जल्दी से घर पहुँचा देंगे। और तैयारी हो चुके हैं, सुबह सुबह नहाना, मुझे लग रहा बहुत दिनों बाद नहाए हैं हम लोग सुबह सुबह। और मुनु पता है कितने दिन बाद नहाई है, कितने दिन बाद नहाई सुबह नहाई है, तुम फिर भी सुंदर लग रही हो, नहाए भी सुंदर तुम लग रहे हो। मैं नहा चुकी हूँ। नहीं तो मेरे नहाए सुंदर लग रहे हैं, जबरदस्ती। अच्छा नहाई हो, अच्छी बात, नहाना चाहिए आदमी को। नहाने से क्या होता है, पानी खत्म होता है। ठीक है, तो पैकिंग हो चुकी है, सारा सामान मैं गाड़ी में रख चुका हूँ। बस ये था कि कुछ खा के चाय नाश्ता करके निकलेंगे, क्योंकि खाली पेट नहीं जाना है। चार घंटे कम से कम लग जाते हैं पहुंचने में। मेरी बानू अभी सो रही है, सोते सोते पहुंचाना है इसको। और सबसे ज़्यादा तो रानी तैयार हुई है, सबसे ज़्यादा लड़की टाइप ही लग रही है, लड़की है। अरे अम्मा हुई हो तुम, सोचो लड़की, फिर लड़की नहीं रहती ना, अभी अम्मा जाती है। अरे माँ हो जाती है ना लड़कियाँ, मतलब आप लड़के नहीं हो, आदमी हो गए। मैं आदमी हो गया हूँ, लेकिन मैं भी लड़का ही लग रहा हूँ। हाँ चाय पे जल्दी से भी निकलना भी हम लोग। A few moments later, वो सुंदर लग रही है, तो निकल गए हम लोग सफर पे, जा रहे हैं घर। रोड बड़ी अच्छी है, चश्मा नहीं लगा, चश्मा लगाया, चश्मा लगा, माँ पीछे सो रही है। दिखा मेरे लोग, बताना कैसा आ रहा है। ड्राइवर साहब ने बोलती मेरे ड्राइवर, ये है हमारे ड्राइवर साहब, सफर कर करके ना थक गए। आप सच्ची में ना गाड़ी का सफर नहीं करने का मन कर रहा है, ट्रेन में जाए, फ्लाइट में जाए कहीं। नहीं, ट्रेन का सफर सबसे मस्त होता है, सबसे आराम से खाते पीते सोते बैठते बोलते बतियाते, सामान फेंको उधर ताकि लेट हो आराम से एकदम बिंदास, मोबाइल में मूवी लगा लो देखते हुए जाओ, कोई दर्द नहीं। यहाँ तो हम लोग गाना भी नहीं बजा पाते हैं कि वाना सो रही जाग जाएगी, गारंटी देगी क्योंकि पैदल चलो हाँ। बहुत परेशान करती थी बापरे हम लोगों को, गाड़ी आगे बढ़ने नहीं देती, कह रही नहीं गाड़ी में, क्योंकि उसको वोमिट होता है ना इसलिए। अब सही बात है यार, वोमिट में कोई कभी कभी सोचती हूँ, वोमिट जब उसको तो अंदर से उसको कैसा लगता होगा। हम लोग पहले जब मुझे होता था तो मेरी हालत खराब हो जाती है, वही ना, तो बस वही उसको यही सोच सोच के ना मैं ना, हम लोग ने कितना सफर अवॉइड कर दिया, कितने काम अवॉइड कर दिए होंगे सिर्फ इसके चक्कर में, इसीलिए मॉर्निंग का ही हम लोग रखते हैं। आंखें खुलती नहीं है बट फिर भी कोशिश करते हैं कि भाई मॉर्निंग वाला ही सही रहता है, या तो बहुत मॉर्निंग में या तो बहुत नाइट में, ताकि सोने टाइम पर। मेरा मतलब गाड़ी सिर्फ, कार मैंने बुक कराई थी इसके फर्स्ट बर्थडे पे, सिर्फ इसलिए कि हम लोग के लिए जो सफ़र है वो आराम हो जाए, नहीं तो बच्चों को लेके बस ट्रेन कहाँ कहाँ भागते। अब जैसे हम लोग को अब निकलना था, हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल गए घर जाना है, नहीं तो ऐसे फिर बस पकड़ो ट्रेन पकड़ो, लेकिन ये मैडम ऐसी निकल गई कि इनके चक्कर में हम कहीं नहीं जा पाते हैं, मैं तो कहीं नहीं जा पाती हूँ सीरियसली। इतना मन करता है कि कार से हम यहाँ चले जाए वहाँ चले जाए, नहीं कहीं नहीं जा पाते। तो ठीक है, लेकिन अब हम लोग पहुँचने वाले हैं, बहुत सारी मस्ती होने वाली है, क्योंकि होली मेरी कॉलोनी का सबसे दमदार त्यौहार है और हम लोग का बहुत फेवरेट फेस्टिवल है होली, खूब मस्ती धूमधाम से मनाते हैं, सब कीचड़ में कूदते हैं। अब पूरी तैयारी हो चुकी है, कीचड़ की पूरी तैयारी हो चुकी है, गड्ढे वड्ढे खुदा गए और इनके बड़े भाई साहब भी पहुंच गए हैं, कल नाइट में पहुंचे, फ़ोन कर रहे थे, कह रहे थे तुम लोग भी आ जाओ, हम लोग अब नाइट रात में नहीं आ पाएंगे, हम लोग मॉर्निंग में, आप जब तक उठोगे सोके तब तक हम लोग आ जाएंगे। सो उनसे काफ़ी टाइम बाद मैं मिल रही हूँ, मैं क्या हम लोग मिल रहे हैं उनसे ना शादी, क्योंकि शादी के बाद उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, उनकी वाइफ से तो हो गई थी। हाँ मतलब जेठानी जी से तो मेरी मुलाकात हो गई थी, जो कि वो आई थी हमारे यहाँ, बाकी बड़े भाई साहब से मुलाकात हुई नहीं थी, और तो उनसे भी मिल लेंगे। और वो इसको जेरी बुलाते हैं, तो जेरी इसके लिए ज़्यादा वेट कर रहे हैं, जल्दी से लाओ।
कल इसलिए वो जल्दी जल्दी खा पी जल्दी सो गए थे, मुझे लगा 11 बजे सो गए थे मुझे ना, ताकि सुबह जल्दी जल्दी उठे जल्दी पहुंचे। मतलब मैं नहीं सोई थी क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं भी जबरदस्ती सोया हूँ। भैया मोबाइल छूना नहीं, मोबाइल तो पैसे बंद के साइड में रखती है, कोई छूना नहीं है। साढ़े बारह एक बज गया था मुझे सोते सोते, और 4 बजे मेरी नींद एकदम खुल गई बिना अलार्म के। इनको उठाया भी था मैंने, बट ये फिर सो गए। फिर 4:30 बजे मैंने बोला अब उठ जाओ, तो फिर उठे हैं। 1 घंटा इन्होंने लगाया है फ्रेशन अप होने पर, और फिर जब निकले हैं बाहर, मैं जब गई हूँ नहाने के लिए, तब इन जनाब को फिर फ्रेश होना था। मतलब मैं सिर्फ 10 मिनट मुझे लगा होगा प्रॉपर अपना पूरा प्रोसीजर करने में, अब तैयार होने में। मुझे कह रहे हैं तुम ज़्यादा तैयार हो, ये तैयार होने में भी 10 से 15 मिनट लगा होगा, ज़्यादा नहीं। इन्हें पूरा 1.5 घंटा लगा, और इन्हीं की वजह से हमारा टारगेट क्या था, टारगेट नहीं बोल सकते, 5 बजे निकलने का था, बट हम निकले कितने बजे, 6:30 बजे। 6:30 बजे हाँ छोड़े हैं यहाँ, जब तो 6:30 बजे, मतलब 7:30, 8:30, 9:30 बज जाएगा आराम से। तो बहुत लेट कब तू ले, झूठ मत बोलिए प्लीज। ऊपर वाला सब देख रहा है, दुनिया भी देख रही है आपको, ऊपर वाला देख रहा है ना। अब सच बता दो, चलो हम लेट किए, ठीक है हम लेट, चलो नहीं तुम्हारी खुशी के लिए, मेरी खुशी के लिए मैं सोचिए ये लेट किए, चाहे माने चाहे ना माने। यहाँ से बनारस 62 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से मिर्जापुर भी। देखिए यार, गजब का रूट मिला है हम लोगों को, गजब का रूट मिला है कि बनारस सिटी में एंट्री नहीं करनी है, साइड से निकल जाएंगे हम ऐसे करके आप लोग समझ गए होंगे ना, ऐसे करके ऐसे। तो हाँ, रोड तो हम लोग को अच्छी मिल गई है, हम लोग का 1 घंटा पूरा बचता है 1 घंटा, और ट्रैफिक पूरी बचती है। जो बनारस में लोगों को जो ट्रैफिक मिलता है वो बच रहा है, तो मतलब 2 घंटे हमारे बच जाते हैं आराम से। पहले हम लोगों को 5-6 घंटा लग जाता था पहुंचने में, एक तो रोड भी बहुत उबड़ खाबड़ थी, पर अब हम लोग सिर्फ 3 घंटे में पहुँच जाते हैं। मस्त रोड, तो भाई बीजेपी सरकार थैंक यू मस्त रोड देने के लिए हम लोगों को, हम लोग आराम से आ जा रहे हैं। बस थोड़ी सी महंगाई भी कम कर दीजिए, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ा दी है। अभी कल ही मैंने सिलेंडर मंगवाया था, 1000 रुपये में सिलेंडर पड़ा, मुझे बताओ, नो सब्सिडी, 1000 रुपये, मिडिल क्लास वाले लोग पागल हो जाएंगे। हम लोग के लिए कहा जाता है कि सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, तो कम से कम रेट तो कम दो। मजाक बना के रखा है बीजेपी ने, हर हर मोदी तो मोदी ही तो बैठे हैं, और बैठा कौन है। चलिए, वार्तालाप बहुत हो गया, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे वरना वोट जाएगी, तो पहुँच के मिलते हैं। तो गाइस, हम लोग फाइनली घर पहुँच चुके हैं, और घर में नाश्ता होता कंप्लीट, काम काज में सब बिजी है। हाँ गाइस, बिजी, हम जा रहे हैं होली तैयारी करने, होली बिजी होना, होली तैयारी करनी है, हमें होली तैयारी नहीं करनी है, यहाँ ऑनलाइन ड्यूटी चल रही है, छुट्टी नहीं है। ऑनलाइन बोलते हैं, ऑनलाइन में ज़्यादा आराम रहता है, पर हमें नहीं लगता ऑनलाइन ज़्यादा आराम रहता है। आज के दिन सारे ऑफिस बंद है, ऑफलाइन ऑनलाइन चल रहा है, बेचारी बैठी के देख रही है। पीछे आओगे।